चैतन्य कॉलेज पामगढ़, राष्ट्रीय सेवा योजना, शासकीय प्राथमिक शाला बारगाम। आदमी समय में जब से अत्यधिक बर्बादी कर रहे हैं, पहले क्या था कि कुएं से जल निकालते थे, उसके बाद कुएं से आगे चलते चलते हमारा विस्तार क्षेत्र आगे बढ़ा कुछ तो न लाया। हैंडपम्प तक तो ठीक था विज्ञान, वहाँ हम अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे, लेकिन उसके बाद आ गया समस्या जिसको बोर बोलते हैं ना, बोर, उससे हमें पानी का अत्यधिक दोहन होता है। कहीं कहीं गांव भर में ये भी देखने को मिलता है कि जहाँ एक गिलास पानी की जरूरत हो तो भी हम बोर का बटन दबाते हैं, शादी होती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हाथ धोने के लिए भी बोर, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पानी इकट्ठा ना करके बिजली का और पानी का दोहन करते हैं। और फिर मान लीजिए नए तकनीक वो शौचालय का, घर घर में शौचालय बन गया, तो इससे बहुत फायदा हुआ कि जिससे कि हमको बाहर नहीं जाना पड़ता है शौच के लिए। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी है, ये है कि जैसे पहले के लोग थे जो खेत में जाते थे शौच के लिए, उनका एक दैनिक कार्य था कि सुबह सूर्यास्त से पहले वो उठ जाते थे, सूर्योदय से पहले उठ जाते थे, उसके बाद वो जाते थे घूमते फिरते थे, जिससे सेहत अच्छा रहता था और पानी भी सीमित तरह से बर्बाद होता था। आज ये है कि शौच जाते हैं हम शौचालय में तो एक बाल्टी दो बाल्टी पानी अत्यधिक बर्बाद कर देते हैं। तो हम विकास तो कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन विकास के साथ साथ हम दोहन भी कर रहे हैं ईंधन का, और जो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो पहले था हम गर्मी लगता था तो पंखे वो बिना होता है उसको डोलाते थे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा प्रयोग आगे बढ़ता गया तो हमारा प्रयोग पंखा तक गया, उसके बाद कूलर हुआ तो वहाँ तक तो सीमित था, ठीक था, लेकिन उसके बाद एसी आ गया जो पर्यावरण को बहुत अत्यधिक नुकसान पहुँचाता है। इसी तरह जीवाश्म ईंधन है सब, जैसे कोयला हुआ, जो कोयला कोई भी खनिज पदार्थ उसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, और हम उनका अत्यधिक दोहन करते हैं, अनुपयोग उपयोग कर रहे हैं। गैर जीवाश्म ईंधन जो समाप्त हो जाने के बाद आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही, जैसे कि जीवन जीना दुर्लभ हो जाएगा। अब मान लीजिए वर्तमान समय में हमारे पास सभी सुविधाएं हैं, लेकिन एकाएक जब सुविधाएं खत्म हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, चिंता और तनाव में आ जाएंगे। कब लाइट आएगी, कब आएगी, कब आएगी बिजली, इसके लिए हम नहाना धोना भी छोड़ देते हैं। आज के परिवेश में नहाते भी नहीं है कि नहीं लाइट आएगा तो बोर चालू करेंगे तब नहाएंगे, ऐसा होता है, जो दैनिक क्रियाओं पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है और उससे संसाधन का भी दोहन हो रहा है। तो हमें उन सबको सीमित प्रयोग करना है जिससे कि बच्चा लंबे समय तक चल सके। अब कोयला का भंडार बहुत सीमित है हमारे पास और हम अत्यधिक उसका दोहन कर रहे हैं, बिजली नहीं बचा रहे हैं, तो आने वाले समय में बहुत ही नुकसानदायक होगा। इसलिए हमें संसाधन का रक्षा करना होगा और जो भी प्रयोग करते हैं उसको सीमित आवश्यकता अनुसार करना होगा। हम विकास तो कर रहे हैं अत्यधिक, तकनीकी विकास हो रहा है, लेकिन उसके साथ हमारे संसाधनों का जो दोहन हो रहा है वो आगे चल के बहुत ही परेशानी हो सकता है भविष्य में हमारे आने वाले। धन्यवाद संचालन मंडल, आदरणीय प्रोफेसर पाटले सर, आदरणीय संजय बघेल सर, साहू सर, अपने सिंह सर एवं बंजारे सर, आप सभी का अभिवादन करते हुए NSS के प्रिय छात्रों,